दिनांक 19/3/2023 को आईआईटी कानपुर में उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम अंतराग्नि के दौरान दो छात्रों के पक्षों में लड़ाई झगड़ा हो गया, जिसमें कथित तौर पर पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चाकू से प्रहार किया है। तुरंत मौके पर पुलिस गई। मौके पर सभी जो इससे संबंधित थे, पक्ष और प्रतिपक्ष, सभी से पूछताछ करने के बाद में वादी अमन मीणा की तहरीर पर प्रतिवादी वरुण देव, दिनेश राम और आदर्श के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 110/2023 धारा 324 के अंतर्गत कल्याणपुर थाने में पंजीकृत किया गया। अमन को और उसके एक साथी को, जिनको चोट लगी थी, उनको तुरंत मेडिकल के लिए और इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। आगे जिस प्रकार से मेडिकल की रिपोर्ट प्राप्त होती है, उसी आधार पर विवेचना की कार्रवाई की जाएगी। अभी विवेचना प्रचलित है। इसके बाद आगे इसमें सभी के पक्षों के बयान और इसके आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।